एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफेंस वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। होम शक्ति प्लाजा, अबरडीन बाजार, बाबू लाइन, नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार न्यूज साप्ताहिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं 11 चरमा टीटीआई ग्राउंड के नीचे। और हम आपको बता दें, यहाँ पर टीटीआई ग्राउंड के जस्ट नीचे ही जो है पानी की एक बहुत ही बड़ी पाइप है, और ये पाइप जाके काफ़ी जगह जो है कनेक्ट होती है। जैसा हमने आपको पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था डेयरी फार्म में कैसा जो है पानी का वेस्टेज हो रहा था। आप सभी को पता है 8 दिन 9 दिन के बाद अब पानी आ रहा है, लेकिन वो भी 8-9 दिन हम बोल नहीं सकते, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं। बैक टू बैक जो है हम न्यूज़ कवर कर रहे हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। ना एडमिनिस्ट्रेशन बताने को राजी है कि आखिर कारण क्या है। लोग कह रहे हैं रटलैंड प्रोजेक्ट जो है शुरू हो चुका है, लेकिन कहाँ, हमें कहाँ मिल रहा है पानी। हम तो तरस रहे। जितने बोरवेल्स आ रहे हैं, जो लोग बोरिंग का पानी सेल करते हैं, अगर 1000 रुपये रेट है तो वो 2000-3000 चार्ज कर रहे हैं। अब हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे, देखिए कैसे पीडब्ल्यूडी वालों की नाकामी। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पर पानी का वेस्टेज आप देख के कि अब देखिए कैसे यहाँ पर पानी का वेस्टेज हो रहा है। अगर ये चीज़ पीडब्ल्यूडी वालों को दिखाई नहीं देगा, जितने भी आला अधिकारी है उन सब से हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को क्या इसका ज्ञान नहीं है कि यहाँ पर भी कोई पाइप है। देखिए कितना पानी वेस्ट हो रहा है। अगर प्रॉपरली इसे ठीक किया जाए तो अभी जिस तरह का हालत चल रहा है, धूप का अभी शुरू हुआ है, अब मई का मौसम है और भी गर्मी झेलना बाकी है, लेकिन अभी से जो है ये लोग हमें इतना तड़पा रहे हैं आम लोगों को, और यहाँ पर पानी का इतना वेस्टेज हो रहा है। हम आपको ये बता दें कि सवेरे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली, इसी के आधार पर हम यहाँ पर आए। जैसे ही हमने देखा कि काफ़ी देखिए पानी यहाँ पर वेस्टेज हो रहा है, एक 5 से 10 मिनट के अंदर जो है ना वहाँ पर एक ड्रम भर जाएगा, जो स्पीड का पानी आ रहा है। फिर से मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा क्लोजअप से दिखाने के लिए, और देखिए वो पानी सारा जो है वेस्ट होकर कहाँ जा रहा है। देखिए ये पानी जो है वेस्ट होकर कहाँ जा रहा है। इतनी नाकामी आखिर क्यों। और ये आज से नहीं है, करीबन हम आपको बता दें कई महीनों से ही ऐसा हाल है। देखिए सारा पानी जो है वेस्ट होकर नाला में यहाँ पर बह रहा है। हमें कैसे पता चला बोलने से, हम आपको ये बता दें, कुछ लोगों ने हमसे बात की, कुछ लोगों ने हमें ये बताया कि यहाँ पर देखिए यहाँ के बस्ती वालों को भी जो है पानी नहीं मिल रहा है, बस्ती वाले भी परेशान हैं। तो कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो है पानी का इस तरह जो है क्राइसिस होने के बावजूद भी पीडब्ल्यूडी वाले जो है यहाँ पर आके काम नहीं कर रहे हैं। जब ऑन ग्राउंड हम यहाँ पर आकर पहुँचे, पानी का प्रेशर देख सकते हैं, यहाँ पर करीबन एक 10 से 15 मिनट में जो है यहाँ पर जो तरह का प्रेशर है एक ड्रम भर जाएगा। तो ये अगर आप लोग सेव करेंगे तो गोटा मोहल्ला में आप लोग, गोटा बस्ती में आप लोग जो है आप लोग पानी दे सकेंगे। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, पोर्टलर में जितने जगह भी, पोर्टलर में ही नहीं, जहाँ पर भी क्राइसिस है इस तरह के जो पानी जहाँ पर लीकेज हो रहा है, आप लोग पहले वो ठीक कीजिए ना। कई सालों से आप लोग पाइप बना कर रखे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि पाइप का आप लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं। किस बात का मेंटेनेंस, एक मेंटेनेंस हो रहा है डेयरी फार्म में,
देखिए रोड जाम कर वहाँ पर पाइप फट कर जब हमने वहाँ के एक जई से बात किया, जई ने कहा कि 3 साल में जो है पाइप चेंज किया, पाइप चेंज ऐसा कैसे पाइप चेंज कर दिए, जो पाइप में जो है कपड़ा से बांध कर रखे हैं ताकि वहाँ पर जो है पानी बाहर ना आए। उसके बावजूद भी काफ़ी जो है वहाँ के कुछ क्लिप्स है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और यहाँ का आप अभी नज़ारा आप देख सकते हैं, लोग कितने परेशान हैं, लोग पीने के लिए पानी जो है बाहर से खरीद रहे, एक्स्ट्रा पैसा दे के खरीद रहे हैं, और PWD वाले जो है अपना काम दाम छोड़कर उन्हें तो लगता देख कर ही लगता है उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए सैलरी 1-2 लाख तो मिलता है, वो लोग अपना लेकर चुपचाप घर में बैठ जाते हैं लेकिन ये सब काम नहीं करते, और जब हम आते हैं ऑन द स्पॉट अगर वो लोग दिखते हैं तो वो लोग हमसे कभी कोई चीज़ बात नहीं करेंगे, क्यों, उनके मन में डर है। जैसा हमने अभी यहाँ का पोल खोला है और भी काफ़ी जगह का पोल खुलना बाकी है, तो जितने भी यहाँ के जई है ना इस एरिया के उन सबके मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो हो रहा है ये काफ़ी गलत है, और लोग हमें कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों के वहाँ कहाँ कहाँ जो है ऐसी समस्या है, हम आएंगे और कोई नहीं सुनेगा, हम सुनेंगे इस बात को, प्रशासन तक हम पहुँचाएंगे, सच दिखाना हमारा काम है, नाम डरेंगे नाम झुकेंगे। तो अब और एक नज़ारा हम आपको दिखाएंगे, देखकर आपको भी लगेगा कि आप भी यहाँ पर आए और 2 बाल्टी नहीं 2-3 ड्रम भरकर आप भी यहाँ से पानी लेकर जाए। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए अब आप लोग खुद आकर यहाँ पर ड्रम बाल्टी डोल जो भी है आप लोग यहाँ पर लेकर आकर आप लोग पानी भरकर ले जा सकते हैं, पानी नहीं आ रहा है, लोगों को परेशानी है, लेकिन यहाँ पर इतना पानी का जो वेस्टेज होता है ये APWD अंडमान पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को जो है ये सब दिखाई नहीं दे रहे, पाइप में जंग लग चुका है, और जहाँ तक हमें ये पता चला है यहाँ पे जो भी कर्मचारी आते हैं काम करने वो लोग काम कम करते हैं लेकिन पाइप को नुकसान ज़्यादा करते हैं। पानी देखिए कितनी तेज़ी से यहाँ पर आ रहा है, अगर इसी को अगर इसी तरह कितना जगह है अगर आप लोग वाटर सेव किया जाए तो अभी हर घर में जो है पानी पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये लोग जो है टस से मस नहीं होंगे, इन लोगों के घर में जो है बराबर पानी तो पहुंच जाता होगा लेकिन हम जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं और यहाँ के जो मिडिल क्लास फैमिली है उन लोगों को काफ़ी परेशानी, खाली यहाँ के नहीं हमारे अंडमान के जितने भी लोग हैं आज पानी और इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों चीज़ से जो है जूझ रहे हैं। आखिर कब तक हम सहेंगे, देखिए हर चीज़ की एक सीमा होती है लेकिन सब्र का बांध जो है ना अब टूट चुके हैं। आप ये पाइप देख कि ये पाइप कितना लंबा और ये पाइप कितना पुराना है, अगर हम इनसे पूछेंगे तो ये एक ही बात कहेंगे कि पाइप जो है चेंज 1-2 साल हुआ है। हेलो, तो जैसा अभी हमने आपको न्यूज़ दिखाया है TTI कॉलेज ग्राउंड के यहाँ का, लोग पानी को तरस रहे हैं लेकिन यहाँ पर तो अलग ही मौज है।
डेयरी फार्म में एक हादसा हुआ जो हमने आपको दिखाया था, अब यहाँ का हम आपको दिखा रहे हैं। पानी इतना वेस्ट हो रहा है, अब यहाँ के नागरिक तो इसमें जिम्मेदार नहीं है ना, इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? हम लोगों को जो है खुद 8 से 9 दिन के बाद पानी आता है, और अभी जो है 8 दिन हो चुका है, हमारे एरिया में भी अभी तक पानी नहीं आ रहा है। पीने का पानी तो हम चलिए पीने के लिए जो है पीने का पानी जो है वो हम लोग क्लब खरीद लेते हैं, लेकिन जो रॉ वाटर जो होता है और वो सबका रेट भी, या फ्रेश वाटर टैंक भी अगर हम बुला दें तो उनका रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ 1000 लेते थे वहाँ 2-3 हज़ार अब हो चुके हैं। देखिए सबको कमाना है, लेकिन इसमें आम आदमी जो है पिस रहा है, हम आपको बता दें। तो ये जो भी हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है, प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी हम पूछ रहे हैं APWD के जितने भी आला अधिकारी, जितने भी हायर ऑफिसर्स हैं, अब वो लोग कहाँ गए? या तो आप लोग प्रॉपरली जो है जगह, जितना भी जगह इस तरह का बड़ा बड़ा पाइप है, आप लोग आकर प्रॉपर जो है वहाँ का जांच पड़ताल नहीं करते, या तो जितने भी लाइनमैन हैं उनकी गलती है। नहीं तो आज जो यहाँ पर जो हमने दिखाया, अगर ये प्रॉपरली देखिए पानी आ रहा है, अब ये कौन सा जगह जा रहा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन पानी कितना वेस्टेज हो रहा है। लोग पीने के लिए तरस रहे हैं, लोग पानी मंगवा के पी रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा पैसा दे के पी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो जैसा हमने आपको दिखाया, अब इसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूज़ आप तक के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन से हमें मांग करते हैं कि हम जो न्यूज़ दिखाते हैं, देखिए ग्राउंड पर हम जाकर हर जगह हर क्षेत्र में हम जाकर दिखाते हैं, सच को सामने लाते हैं, लेकिन प्लीज़ इसके ऊपर जो है आप लोग एक्शन लीजिए। इतनी कड़ी धूप होने के बावजूद भी हम आकर अपना काम बराबर करते हैं, लेकिन आपका भी एक दायित्व है कि जो इस तरह का जो न्यूज़ है आप लोग भी जांच पड़ताल करके इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बस इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं रोहित कैमरामैन चीफ के साथ, न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।